राज्य सरकार ने राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के कर्मचारियों को दिसंबर महीने का वेतन देने के लिए 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। शुक्रवार को राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में शासन आदेश जारी किया है। सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन में मंजूर पूरक मांगों की निधि में से ये राशि प्रदान करने को मान्यता दी है। इसी बीच प्रदेश के परिवहन मंत्री और राष्ट्रीय महामंडल के अध्यक्ष अनिल परब ने कहा कि हड़ताल करने वाले जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है उनको वापस नहीं लिया जाएगा। परब ने कहा कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है वो काम पर लौट आए। दूसरी ओर एसटी प्रशासन ने हड़ताल में शामिल और 228 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। अभी तक 1741 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं, जबकि अब तक 11024 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। वहीं 3679 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। इस बीच हड़ताल कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार केवल गाजर दिखाकर कर्मियों को काम पर लौट आने कह रही है, मगर अभी 90% कर्मचारी आंदोलन पर ही है। उपासनाकी 72 दिवस आहे ना की पूर्ण झालेले आहे। जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण करत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा हा दुखोट्याचा लढा आहे ना की कायम ठेवू। कर्मचारी आमच्या ड्युटीवर आलेले आहेत, कामगिरीवर आलेले आहेत, परंतु कोणताही कर्मचारी या ठिकाणी कामगिरी गेलेला नाही। फक्त गाजर दाखवून यांना लालूच दाखवून कामगिरीवर बोलावण्याचे प्रयत्न करत आहेत सरकार। आणि बाकीचे काय 2-4 लोक फक्त जाऊन राहिले आहेत, त्यामुळे आमचे सर्व बंधू 90% कामगार आमच्या दुखवट्यामध्ये सामील आहे। आणि 90% कामगारांचा एकच निर्णय आहे, जिथपर्यंत उच्च न्यायालय आम्हाला आमच्या विलीनीकरणावर निर्णय देणार नाही किंवा उच्च न्यायालय कोणताही निर्णय देवो, उच्च न्यायालयाची आम्ही सम्मान करतो, त्यांच्यावर आम्ही त्यांचा आदेश पाळण्यास आम्ही तयार आहोत। उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर आम्ही कामावर जाण्यास तयार आहोत, परंतु आमचा एकच मुद्दा आहे की महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला विलीनीकरण द्यावं, हीच आपल्या माध्यमातून आमची विनंती करतो आहे।